हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहानी वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमिक्स की। जी हाँ, वही आपके बचपन का प्यार कॉमिक्स। 90 के दशक में पैदा होने वाला हर इंसान समझता है उसके लिए कॉमिक्स के क्या मायने हुआ करते थे। ये वो दौर था जब ना इंटरनेट हुआ करता था, ना मोबाइल फोन्स और ना ही केबल टीवी। ऐसे में बच्चों के पास टाइम पास के लिए साधन भी बहुत सीमित हुआ करते थे, जिनमें से एक थी कॉमिक्स। रंग बिरंगे चित्रों से सजी इन किताबों के खोलते ही हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे। ये दुनिया कभी हंसाती थी, कभी रुलाती थी और कभी आश्चर्य के सागर में हमें डूबा हुआ छोड़ जाती थी। तो दोस्तों, जिस कॉमिक्स की आज हम बात करेंगे उसका नाम है शालू कालू। इसको पब्लिश किया था तुलसी कॉमिक्स ने और अभी हाल ही में इसे रिप्रिंट किया है कॉमिक्स इंडिया ने। इसका कथा वस्तु और चित्रांकन है इंदु फीचर्स का और संपादन है प्रमिला जैन का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी शालू कालू। शालू और कालू ये नाम हैं दो बदनसीब इंसानों के, जो इस महंगाई के जमाने में किसी तरह अपनी खटारा गाड़ी खींच रहे हैं। दोनों एक खस्ता मकान में रहते हैं। दोनों के पास करने को कोई काम नहीं, इसलिए रोजाना किसी न किसी पड़ोसी से उधार चाय पत्ती लेते हैं, उसकी चाय बनाकर पीते हैं और निकल पड़ते हैं काम की तलाश में। ऐसे ही एक दिन, जरूरत है होशियार आदमी की जो कारें बेच सके। कालू, देख, इस कार शोरूम वालों को कार बेचने के लिए सेल्समैन की जरूरत है। तो फिर सोचना कैसा, चलकर बात करते हैं। मैंने तुमसे पहले देखा। हाँ जी, पहले देखा। मालिक, अच्छा तो तुम हमारे यहाँ नौकरी चाहते हो? क्या तुम्हें कार चलानी आती है? अजी, कार चलाने में तो अपन चैंपियन है, अब तक कई अवार्ड जीत चुका हूँ। और तुम दोनों, क्या तुम दोनों को भी कार चलानी आती है? नहीं आती। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, तुम दोनों को रखा जाता है। क्या भाई, ये क्या बात हुई? मुझे कार चलानी आती है, फिर आपने इन दोनों जोकर को क्यों रखा? भाई आज तो कमाल हो गया, सितारे बुलंद हैं अपने। वो इसलिए महाशय कि मुझे इस बात की गारंटी हो गई है कि ये दोनों मेरी कार चुरा कर नहीं भाग पाएंगे, जबकि तुम ऐसा कर सकते थे क्योंकि तुम कार चलाना जानते हो। समझ गए, अब चलते बनो। हाँ? बड़ा काया बुढ़ा है। ले भाई कालू, हम कार सेल्समैन बन गए। चल शालू, कोई बात नहीं, कभी कार में तो बैठे नहीं, कार बेच कर ही तसल्ली कर लेंगे। उधर देख, हमारा पहला मुर्गा, बकरा, नो ग्राहक। मैं उसे पटाता हूँ। आप जरूर ये कार खरीदना चाहते हैं हुजूर, कालू राम आपकी खिदमत करेगा। हाँ देखो मिस्टर कालू, मैं मजबूत सुंदर टिकाऊ कार चाहता हूँ, आपकी दुकान में है कोई कार? लो जी, ये भी कोई पूछने की बात है, यहाँ तो सारी ही कारें पक्की हैं। मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। उसे छोड़िए साहब, इधर आइए, इधर पक्की कारें खड़ी हैं। तो क्या इधर की अभी कच्ची है? आप इस कार को परखिए हुजूरे वाला, कितनी प्यारी है, दुलारी है, इसके जबरदस्त पहिए हैं, इसका रंग तो लाजवाब है, छूकर देखिए, देखिए, बाप रे हाथ ही चिपक गया है। क्या हुआ इसके कलर को? अबे छोड़, जरा मुझे खींचना साहब, मैं इससे चिपक गया। अच्छा, उसे छोड़िए साहब, आपको दूसरी कार दिखाता हूँ। अच्छा तो तुम इस बेढब कार को मुझे बेचना चाहते हो? मुझे नहीं खरीदनी है कार, समझे? लेकिन मेरी बात तो सुनिए। चुप। कालू, तेरे बस का नहीं है इसे कार बेचना, हट, अब मैं ट्राई करती हूँ। नहीं तू चुप रह, मैं इस नासपीटे को एक कार तो बेच कर ही छोड़ूंगा। आप इस मॉडल को देखिए जनाब, इधर नजर डालिए। उसकी तरफ कोई ध्यान मत दीजिए, ये तो बेकार में ही बड़ी बड़ी हाका करती है। वैसे भी जो कार वो दिखा रही है पूरे शोरूम में सबसे रद्दड़ कार है। वाह, हाँ यही है जिसकी मुझे तलाश थी। वाह क्या बात है, लाजवाब, जबरदस्त, खूबसूरत, ऐसी कार मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। देखा कार कैसे बेची जाती है, कुछ होशियारी मुझसे ही उधार ले ले। हाँ हाँ देखी है तेरी होशियारी, अगर मैं उसे कुछ ना बेच सका तो उसे खरीदने भी नहीं दूंगा, तू देखती जा। लेकिन अभी मेरा कोई पक्का इरादा नहीं है कि मैं कार खरीद ही लूं। क्यों जी, आप इसे क्यों नहीं खरीदना चाहते? पूरे शोरूम की शान है, तेज भागती है, जबरदस्त है ये कार। मुझे पक्का यकीन नहीं है कि ये तेज दौड़ सकेगी, क्या पता उसमें कोई खराबी हो।
इसकी चिंता मत करिए। आप कार के पहियों के नीचे रोलर देख रहे हो ना, इससे तुम ये देख सकते हो कि ये कितनी स्पीड से भागेगी। अच्छा? हाँ साहब। लाजवाब, आप स्टार्ट करो। देखो मीटर के अनुसार आप 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ा सकते हैं। अब ये 100 की रफ्तार से जा रही है। क्या आपने नोटिस की कितनी भी हो रही है आवाज है इसकी? तुम क्या बक रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब इसके बारे में क्या सोचा साहब? मैं कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई मील कार दौड़ाई लेकिन कार अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। मेरे ख्याल से तो आप इसमें बैठकर शहर का एक चक्कर ही लगा डालो। वाह क्या आइडिया है लाजवाब। बाप रे बाप, उफ हाय, बड़ी भारी है। शालू, कार से बाहर आकर मेरी मदद कर। हाँ अभी उतर कर आती हूँ। हाय शालू की बच्ची, मरवा डाला, कमबख्त कार को आगे कर दिया। कालू लाल, कम से कम तब तक तो इंतजार किया होता जब तक मैं ब्रेक लगा कर नीचे उतरती। धक्का लगाए ही जा रहा था तो ऐसे ही होना था। ये लो, ये रही कार की चाबियां, जरा राउंड लगाकर जल्दी वापस आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो। टाटा, बाय बाय। हा हा हा, कैसा बुद्धू बनाया। हा हा हा, वो हमें बुद्धू कह गया, इसका क्या मतलब हुआ कालू? बुद्धू का मतलब बंदा अकल से पैदल होता है। हम तो बहुत समझदार है, फिर वो हमें बुद्धू क्यों कह गया? पता नहीं, जब वापस आएगा तो पूछ लेंगे। मालिक साहब, ये क्या किया कमबख्तों, वो कार चुरा कर ले भागा। कालू गड़बड़ झाला, वो लफंगा कार चुरा कर ले गया। और हमने कार चुराने में उसकी पूरी सहायता की। उस कमबख्त चोर के पीछे जाओ, सबसे तेज दौड़ने वाली कार ले जाओ, जल्दी करो। जी मालिक, हम जा रहे हैं। मालिक साहब। हाय नहीं, इन नालायकों को तो कार चलानी ही नहीं आती, उसे कैसे पकड़ेंगे? हाँ हाँ ठीक, अभी से दबा दो, गाड़ी चल पड़ेगी। नहीं रुको, कार को मत छेड़ो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वो ही चोर को पकड़ लेंगे। अरे बाप रे, कोई रोको। कालू कालू, कार को उल्टी क्यों चला रहा है, आगे की तरफ चला। अच्छा बचाओ, और कोई इन कमबख्तों को रोको। हाय शुक्र है बाल बाल बचा। आगे बढ़ा कालू, कार को आगे बढ़ा। हाँ हाँ ऐसे ही कालू, ठीक शाबाश। अरे बाप रे, ये तो फिर मेरे पीछे आ रहे हैं, जान बचा कर भागूं वरना आज तो मरा समझो। और फिर आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ। रोको रोको। आखिरकार हम आज अपनी कार खरीदेंगे, लेकिन कार चलाने में बड़ा खतरा रहता है। कार चलाना खतरनाक बात है, सुनकर मुझे हंसी आ रही है। हा 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 हा। कारों के एक्सीडेंट देखकर ही मैंने ये बात कही थी। अरे बाप रे, ये क्या? हाय राम बचाओ। अभी भी कुछ कहना है प्रिय? बड़ा हंस रहे थे। नहीं कहना जी। हाय रे, कार है या तोप का गोला? इस तरफ चल कालू, वो इधर ही गया। बाप रे, ये बंदा बीच रास्ते में खड़ा है। ए भाई, बीच रास्ते में से हट जा, मैं कहती हूँ पीप पीप मत कर, हट जा। उधर देख, चोर की कार नजर आने लगी है। गजब हो गया, वो मेरे पास आते ही जा रहे हैं और कार की स्पीड बढ़ी नहीं रही है। मैं इसकी शिकायत वहाँ करूँगा जहाँ से मैंने इसको चुराया है। बस अब तो इस दुष्ट चोर को हमने पकड़ा समझो। अभी वो चोर, रुक जा चोर के बच्चे। तो पकड़े गए समझो, भागने से कोई फायदा नहीं। आए, ये इतनी जोर के ब्रेक क्यों लगा रहा है, मर गए। अरे शालू, तू जिंदी है या मर गई? पता नहीं, अभी तो मुझे खुद की को भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। चोर के बच्चे, हमने तुझे पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, लेकिन क्या तुम अपनी कार को मेरे पीछे नहीं रोक सकते थे? और हवलदार साहब, वो एक कार लेकर भाग गया, मेरे दो सेल्समैन उसके पीछे गए हैं। पुलिस को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, हम चोर को पकड़ लाए हैं। मैंने पुलिस को कार चोर की वजह से नहीं बुलाया कमबख्तों, बल्कि तुम दोनों के लिए बुलाया है, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। लेकिन हम इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, इन दोनों ने जो कुछ भी किया अच्छे इरादे से किया, हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते।
तो ठीक है, मैं इनसे खुद निपटूंगा। हवलदार ने तो तुम दोनों को छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ने वाला। जो नुकसान किया है तुम्हें वो भरना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो एक पाई भी नहीं जो हम तुम्हारा नुकसान भर सकें। इस बात की चिंता तुम मत करो, मुझे अपना पैसा वसूल करना आता है। आजकल पेट्रोल के दाम बड़े ऊंचे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। शाबाश, मेहनत करो, जल्दी मेरा नुकसान पूरा करो। कालू, अपनी किस्मत तो काली है, कार सेल्समैन की नौकरी भी रासना आई। किस्मत में जब लिखे हैं धक्के, तो हम कैसे खाएंगे आम पक्के।